वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ जाएं अब आप लोग भी, क्योंकि मैं तो ब्रेक से वापस आ गई हूँ। तो अब हम मज़ीद जो हैं वो उन लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तहरीम। तहरीम क्या करती हो? स्टडी। क्या? टेंथ में हूँ। टेंथ क्लास में पढ़ती हो। कहाँ पर रहते हो आप? ग्वालमंडी इस्लामिया कॉलेज। ग्वालमंडी रहते हो, ओके ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ क्या बनने का शौक? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है जी। ओके ठीक है, चलो सवाल करो जी। मुझे बताओ पाकिस्तान में डॉल्फिन की कौन सी नस्ल पाई जाती है? क्या सुनाओगे सॉन्ग? मेरे वियो दिल दे ओ टुकरे गए, जोली विच मेरी लखा दुखरे पाए, मैं जान दिसी तो खे बेवजह हुंदे ने, उदासी नू मैं पहला कदी मिलिया नहीं। मैं सुने आसी लोग बेवफा हुंदे ने, मैं तेनू कदी लोकां विच गिनेया नहीं। कोशिश करांगी असी वक होइए ना, छड़ना है जे तू ओता तेरी मर्जी, नफरत जे तू सच्ची मुची करदा, अज कल प्यार तेरा होया फर्जी। हुंदे ओही ने तबाजो बेगुनाह हुंदे ने, हुंदे ओही ने तबाजो बेगुनाह हुंदे ने, तोखे बाज एरो ने कदी सुनिया नहीं। मैं सुने आसी लोग बेवफा हुंदे ने, मैं तेनू कदी लोकां विच गिने आने। वाओ वेरी नाइस। हार्ड न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू जी। एक अच्छा सा हमने गाना सुना और बड़ा मजा आया। किसे और से बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राहिला। आपका नाम? दफ्तर। कौन सी क्लास में हो? जी में हो। के जी में हो। मैं बताओ तुम्हारी सर्दी आ गई है? स्वेटर क्यों पहना हुआ है? आईने क्यों पहना हुआ है? अभी से सर्दी लगती है? याद कर जाती है। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही है। अभी आईने बना दिया, इतना प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा जी चले, आप कोई मानती है? आप इससे पहले मैं सुनती हूँ, पहले मैं सवाल करूँ। हाँ जी। मुझे बताएं आप कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं? आंखें सबसे बड़ी होती हैं? उल्लू का। परिंदा है। अच्छा जानवर, मैं आपको टोटका बता दूँ? हाँ, बताएं। अगर किसी कपड़े के ऊपर चिंगम चिमट जाए तो उसको आप बर्फ के साथ रिमूव कर सकती हैं। बर्फ उसके ऊपर रब करें? हाँ जी, रब करके तो वो उतारी जा सकती है जी। और आपने क्या सुनाना है? तो बड़ा प्यारा है। हाँ जी उनकी आवाज में। तो बड़ा प्यारा है, बड़े दांतों वाला, लाल लाल दांतों वाला, बड़े कानों वाला, मजे से दर्जे थपता है, सबका दोस्त बन जाता है। बाजीवाल और न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। शुक्रिया जी, बहुत क्यूट बच्चा था। अच्छा ऐसा होता है कि जो माएँ हैं ना वो ओवर पोजेसिव हो जाती हैं और बच्चों को इतनी सर्दी में आईने, इतनी गर्मी में सॉरी आईने को सॉक्स वगैरह पहना देती हैं और बच्चों को भी इतनी कराती है। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ, वो बड़े होकर वो अपनी मर्जी करते हैं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता है। ओके जी, इनका क्या नाम है? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा, बच्ची तो बड़ी प्यारी। बच्ची का क्या नाम है? बेटी का नाम सिबगा ईमान। अच्छा बच्ची को सामने दिखाओ। हाँ माशाल्लाह। चले जी मुझे बताइए आपकी? जी मैं रेसिपी बताऊंगी। ठीक है, आपकी बेटी है? बहू। बेटी है, बेटी है। ओके ठीक हो गया। सवाल करें आपसे? जी रेसिपी बताऊंगी चिकन। हाँ, पकौड़े। पहले मैं सवाल करूंगी। हाँ जी मुझे बताएं हाथी के कितने दांत होते हैं? दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। होते कितने हैं? बस यही बता दिया मैंने कि दिखाने के और होते हैं। वो तो मुझे भी पता है लेकिन आपने गिनती में बताने कितने होते हैं? जैसे 32 ही होते हैं जैसे बाकी जानवरों के होते हैं। क्या सुनाएंगे आप? जैसे भी रेसिपी बताऊंगी जी। जी चिकन पकौड़ा, आधा किलो चिकन, उसको नमक काली मिर्च और नींबू से मैरिनेट करके आधा घंटा रख दें। फिर कॉर्नफ्लावर 1 कप, काली मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक, 2 अदद अंडे डाल के उस मिक्सचर में चिकन मैरिनेट करके रख दें। फिर उसको डीप फ्राई कर लें। चिकन पकौड़ा तैयार है। जबरदस्त।
लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम। जी इन्होंने चिकन पकौड़ा की रेसिपी बताई, अच्छी रेसिपी थी, और जैसे कि अब मौसम भी जो है वो ठंडा आ गया है तो पकौड़े वगैरह खाने का जो है वो दिल करना शुरू हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? परवीन अख्तर। क्या करती हैं आप? घरेलू खातून हूँ। घरेलू खातून है, चले जी सवाल करें। हाँ जी करें। मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जो 2 साल भी खाना ना खाए तो जिंदा रह सकता है? पालतू जानवर है? पालतू तो नहीं है। अच्छा ओय 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 ओय। कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे? अच्छा एक मैं शेर सुनाना पसंद करती हूँ। पलकों से गिरा दामन पे आ गिरा, पलकों से गिरा दामन पे आ गिरा, एक आंसू मेरे सबर की तौहीन कर गया। वाओ वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया जी। इन्होंने एक शेर सुनाया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा एटीट्यूड था उस शेर में, तो किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रोमानिया। मुस्तफा। चांदनी। अबीहा। अबीहा, ओके जी। अबीहा क्या उम्र है आपकी? 3 years. आप कौन सी क्लास में? 4, 2. और बेबी का नाम क्या है? बेबी का नाम अनाया। अनाया, ओके। चले जी सवाल करें आपसे जी। मुझे बताएं दुनिया में कितने % लोगों की आंखें नीली होती हैं? 10%। 10%? हाँ इससे कम। 5%। थोड़ा ज़्यादा? 6%। 7? 7%। 8%। अब फाइनल बताओ। 8%। राइट आंसर। क्लैपिंग करो मम्मा के लिए। ओके जी, आप क्या सुनाएंगे? मैं सॉन्ग सुना देती हूँ। दास्तर के जादूगरी दीदा मीना ली बनैदा, जानान 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 चेपके उसी सुमरख को ले दुनिया नैदा, जानान चेपके उसी सुमरख को ले दुनिया नैदा, जानान 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 जानान। वेरी नाइस। और आप? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Aha! Very nice. आपने कुछ नहीं सुना ना? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. जी लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। नाजरीन बहुत प्यारी फैमिली थी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद तैयब। मदीहा द्रिस। बेबी का नाम? जियान तारिक। नो ने तो मुझे एक, ओके जी ये क्या है? ये मेरी फर्स्ट बुक आई है, दिल ने धड़कन को। दिल ने धड़कन को, मोहम्मद तैयब अद्रीस, राइट? बताएं इसके बारे में थोड़ा आवाम को। ये बेसिकली मेरी फर्स्ट बुक है, ठीक है। मुझे मतलब इंटरेस्ट था, शौक था राइटर बनने का। अब मेरी सेकंड ऑडिशन इंशाल्लाह ताला मार्केट में आने लगा। ये मेरी शौक कहाँ से आया? मतलब ये मुझे बचपन से ही शौक था। इसके अलावा बस पेरेंट्स मेरे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैंने इसको ना ये सोचा कि मतलब कि पूरी इसको एक अपने टैलेंट को ना बुक की सूरत दी जाए। इसमें पेरेंट्स से रिलेटेड भी कुछ है? हाँ जी बिल्कुल, उसमें ये है कि मैंने इंतजाम अपने पापा के नाम किया। अच्छा अल्लाह पाक उनको जन्नत दे और वो बिल्कुल खुश हुए होंगे। उनको के लिए एक लाइन सुना देता हूँ। हाँ सुना। उसकी यादों को हमने कुछ इस तरह से संभाल रखा है, उसकी यादों को हमने कुछ इस तरह से संभाल रखा है जैसे दिल ने धड़कन को साथ लगा रखा है। उसकी मेहरबानी है कि मोहब्बत के बदले तन्हाइयाँ दे दी, उसकी मेहरबानी है कि मोहब्बत के बदले तन्हाइयाँ दे दी, उसने हमको अपनी मेहरबानियों तले दबा रखा है। उसकी यादों को हमने इस तरह से संभाल रखा है जैसे दिल ने धड़कन को साथ लगा रखा है। वेरी नाइस। बहुत प्यार करते हैं आप, बहुत अटैच थे। बस पेरेंट्स से वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ऐसे लाइफ जैसे ख़त्म होगी। मैं इकलौता बेटा था, कि मेरी ये सिस्टर है, बस उनके बगैर कुछ भी। उनको जन्नत में जगह दे, पेरेंट्स तो बहुत खुश हो रहे होंगे। दे मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। आप सबको गिफ्ट करती हैं ये मेरी तरफ से। आप थैंक यू सो मच। ये पकड़ाओ यार, हमारी पिक्चर भी बननी चाहिए। थैंक यू, आई लव टू, और मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगी।
मोहम्मद तैयब की जो स्टोरी है इसके पीछे वो बहुत नाइस है कि क्योंकि पेरेंट्स हैं और आपको पता है कि आई लव माय पेरेंट्स और पेरेंट्स को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं समझ सकती हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम लोग इस बुक को जाके ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। और तैयब आप मुझे बताओ, मैं आपसे एक मज़े का सवाल करती हूँ, ठीक है, रेडी हैं आप? मुझे बताएं दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं जिनकी आंखें नीली हैं? मेरी ब्राउन है। आपकी प्यारी आंखें हैं नीली, वो भी कम ही लोग हैं। चलो कोई नहीं, क्या शेयर करेंगे आप लोग, कुछ सुनाएंगे? शेर सुना तो दिया आप, एक और सुना देते हैं। हाँ सुनाओ। वो दिल एक मेरी नजम है, वो दिल हर रोज कितने हादसात होते हैं, कितनी हलाकते होती हैं और कितने लोग मरते हैं, लेकिन वो दिल क्यों नहीं मरता जो तुम पे मरता है। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू तैयब, थैंक यू सो मच। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इनसे बात की, किसी और से बात कर। आपका नाम? शुमाइला। आपका नाम? अफजाल। क्या करते हैं आप? मेरा गोल्डस्मिथ का काम। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। बेबी तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह, क्या उम्र है इसकी? इसकी ये है 33 मंथ का। 3 मंथ्स का माशाल्लाह, और अभी से इसको ये बना दिया है? हमारी ये 11 ईयर्स के बाद हुई है। ओह बेबी, और आज हमारी शादी की सालगिरह भी। अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह, और बहुत प्यारा है माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। चलिए जी सवाल कर, ठीक है, शादी की सालगिरह तो आप मुझे बता दें, इनकी कोई एक अच्छाई और एक बुराई? हाइपर बहुत जल्दी होती है। हाइपर हो जाती हैं, और अच्छाई? प्यार भी बहुत जल्दी कर लेती है। अरे वाह। अच्छा चले आप बताए, इनकी थोड़ा झूठ बोलते हैं और उसके बाद रात को बहुत ज्यादा खाते हैं। तो दोनों बुराइयाँ होगी, और तारीफ? और एक अच्छाई ये कि सैर पे लेकर जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये अच्छा लगा मुझे कि दोनों में इतना राइट है कि एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, वरना अक्सर आके ना वो खुद ही नहीं, इनकी कोई बुराई नहीं है, घर जाके बुलाती हैं। चूसी फूड खाया करें, ये बहुत ज्यादा बर्गर और फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो हेल्दी नहीं होते के ना, पंचुअल नहीं है फूड में। नहीं नहीं, रात को इतनी डीप नाइट ना खाया करना, ये सही कहती हैं आप, उससे प्यार करती इसलिए परेशान रहती हैं। चलिए जी मुझे बता दें, वो हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हमें पैदा होने के बाद मिलता है? आंखें, बाजू, नाक, सब कुछ होता है। एक हिस्सा है जो बिल्कुल भी नहीं होता, कई सालों के बाद, 2-4 साल के बाद मिलता है। 2-4 साल के बाद? टीथ। क्लैपिंग करें। वाह, और ये लीजिए, क्या शेयर करेंगे? मैं इसको सॉन्ग डेलीगेट करना चाहता हूँ। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओके आप, मैं ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी। अब विंटर आ रही है तो एक तो एलोवेरा जेल के अंदर आप 1 पिंच ज़ाफ़रान डाल दें तो आपकी ड्राइनेस और ना ख़त्म हो जाएगी और पिंकी स्किन हो जाएगी। और दूसरी ये है कि अक्सर वुमेन स्किन पॉलिश कर लेती हैं तो उनके जलन होती है या निशान पड़ जाता है, तो उससे पहले आप एलोवेरा जेल या फिर कोई भी कूल जेल घर में हो वो लगाएं और फिर स्किन पॉलिश करें तो आपके रैश नहीं पड़ेंगे। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। And happy anniversary. Thank you. जी बहुत प्यारा कपल था। अच्छा मैंने माशाल्लाह उनके गाने पे नहीं उनके प्यार पे कहा था, तो किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। आमना क्या कर? मैं SSC कर रही हूँ। ओके ओके आमना, सामने देखो मुझे बताओ कि जो बंदर है उसके 2 दिमाग होते हैं, आपको पता है? नहीं। ओके, बंदर के 2 दिमाग होते हैं, एक दिमाग उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है
ایک دماغ صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے. دماغ کو. اوکے، پوری باڈی کے علاوہ بندر کے اندر دماغ ہوتے ہی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں. اچھا، تو اتنا تیز ہوتا ہے؟ پتا نہیں. کیا شیئر کر؟ بیوٹی ٹپ بتاؤ. اسکن کو گلوئی رکھنے کے لیے پانی پینا چاہیے. زیادہ پانی؟ کتنا پانی؟ لائک دن میں 8 to 10 glasses. اوکے، ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ. تھینک یو. یو ویلکم. جی، انہوں نے بتایا کہ آپ پانی پئیں. اوکے، پانی پینے کا بھی میں آپ کو ٹپ کو کلیئر کروں. ایک صحیح ٹائم ہے جب آپ صبح اٹھیں، خالی پیٹ زیادہ پانی پئیں، پھر اس کے بعد جب آپ نے دوپہر کو لنچ کرنا ہو اس سے پہلے پانی پئیں، پھر ڈنر کرنے سے پہلے پانی پئیں، کھانے کے دوران پانی نہ پئیں کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ پیٹ میں تیرنا شروع ہو جائے. تو پانی کو پینے کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے. جی ناظرین، ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا. سو لیٹس ہیو اے بریک.